बस्मिल्ल रहीम असल माई वाई टी फैमिली कैसे हैं जी आप सब लोग उम्मीद करते हैं कि आप है हेर ग्रेस से होंगे इन शाला जी तो आज मैं लेकर आके आई हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़े की रेसिपी सिजलिंग क्रीमी चिकन इसको बनाना अब हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है पाँच सौ ग्राम साल्ट इसमें शामिल कर दिया है वन टी स्पून जिंजर गार्लिक पाउडर जो है वी मैंने ले लिया है वन वन टी स्पून चाट मसाला वन टी स्पून सुरह मिर्च पाउडर मैंने ले लिया ये भी वन टी स्पून वन फोर टी स्पून चिली फ्लेक्स वन टी फोर टी स्पून जो है वो हल्दी और वन टेबल स्पून इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और जब इतनी मज़े की बनती है जब मैंने बनाई तो सब यही कहने लगे मेरे फैमिली में मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि इसको दोबारा कब बनाओगी तो इसके लिए मैंने अब इसमें मैंने शामिल कर दिया जी इन्ग्रीडियंट्स फिर मैं भूल जाऊँगी कि वन टी स्पून हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून वाइट पेपर एक एग इसमें शामिल किया है दो टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया लेमन जूस दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और दो टेबल स्पून इसमें शामिल कर जी मैं मैदा इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैं दो से तीन घंटे के लिए रख दूँगी आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं इससे बहुत अच्छी तरह चिकन जो है वो मैरिनेट होगा और यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया थ्री टेबल स्पून क्रीम क्रीम से इसका सारा फ्लेवर आएगा और ये बहुत मज़े की बनती है रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच किया करें और हाथों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था ग्लव्स पहनते हुए मुझे बहुत टेंशन सी होती है उससे जब तक कोई चीज़ मेरे हाथ के साथ टच टच ना हो तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता कुकिंग करते हुए और यहाँ पे मैंने सारे चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया और इसको अब मैं कवर करके तो फ्रिज में रख दूँगी दो से तीन घंटे के लिए अभी सर्दियाँ बाहर भी रख सकते हैं लेकिन मैंने इसको एहतियातन फ्रिज में रख दिया जी तो तीन घंटे गुजरने के बाद फ्राई पैन में मैंने डाल लिया जी थ्री टेबल स्पून ऑयल और एक एक चिकन का पीस मैं लेकर इसमें डाल दी जाऊँगी इकट्ठे नहीं डालना ये बिल्कुल आपस में जुड़ जाएगा और यहाँ पे इसको अब हमने तकरीबन आठ मिनट तक फ्राई करना है चार चार मिनट मैं दोनों साइडों पे रखूँगी कवर करके थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच भी चलाती जाऊंगी ताकि ये लग ना जाए और फ्लेम जो है वो दम फ्लेम है बिल्कुल लो फ्लेम पे भी नहीं रखना थोड़ा सा फ्लेम को आपने ज़्यादा रखना है ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसको बना के जब आप खाएंगे अपने बच्चों को देंगे तो आप यकीन करें कि वो आपसे उसी टाइम दोबारा फरमाइश करेंगे कि मम्मा आपने जो दोबारा कब बनाना है ये इतना मज़े का बनता है और इसमें जो कोयले का Uh, होता है ना स्मोक जो होता है उसका जो फ्लेवर है ना वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है बहुत ही मज़े का बनता है उससे तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से मसाले जो हैं वो कम जो जाँगा ज़्यादा कर सकते हैं मुझे सॉल्ट कुछ कम लग ला, रहा था तो फिर मैंने अंदाज़े से ही थोड़ा सा और शामिल कर दिया आप पहले एक चिकन पीस फ्राई करके एक दो पीस जो है फ्राई करके चेक कर लें सॉल्ट अगर कम हो तो आप फिर दोबारा भी ऐड कर सकते हैं और चिकन हमारा जो आप थोड़ा सा बाकी रह गया था उसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और इसको सब को मैं एक ट्रे में निकाल लूँगी और बाकी जो प्रोसेस है वो भी आपको मैं दिखाती जाती हूँ साथ साथ ये तो हमारा चिकन जो है यहाँ पे डन हो चुका है ये थोड़ा सा जो बाकी बच गया था इसको भी मैंने फ्राई कर लिया नई नई चीज़ें घर में बनाएँ तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और हस्बैंड भी बहुत खुश होते हैं और बाहर की चीज़ों से भी जान छूट जाती है जो हमें पता ही नहीं होता किस तरह के हाथ इस्तेमाल करते हैं किस तरह का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं और जहाँ पे मैंने फुल फ्लेम पे एक कोयला जो उसको दहका लिया और सिजलिंग पैन ले लिया इसमें मैंने दो से तीन टेबल स्पून डाल लिया ऑयल और अच्छी तरह से ब्रश की मदद से इसको मैं कर लूँगी ग्रीस और यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑन की हुई है बिल्कुल दरमिया सी फ्लेम है ज़्यादा तेज़ भी नहीं है ताकि पैन भी गर्म हो जाए और सब्ज़ियाँ भी हमारी थोड़ी सी कुक हो जाएँ ज़्यादा इनको हमने कुक नहीं करना थोड़ा सा क्रंची पानी इनका बाकी रखना है और यहाँ पे मैंने ये जो सब्ज़ियाँ कट करके रखी हुई थी ये शामिल कर रही हूँ और कोयला जो दहका के रखा हुआ था इससे मैं अब यहाँ पे दो तो वन टेबल वन टीस्पून स्पून ऑयल डाल के तो इसको अच्छी तरह से धुआं इसमें शामिल कर दूँगी इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जी जो देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है मेरा दिल कर रहा है मैं अभी से दोबारा इसे बनाऊं जी ये इतना मज़े का बना था और इतना ये सॉफ्ट चिकन बनता है कि आपको यकीन नहीं आएगा और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन अभी जो पैन है सीजमिंग पैन वो अभी मैंने चूल्हे पर रखा है और चिकन इसमें ऐड कर दी है और सब्जियां जो कुछ बच की थी वो भी और ग्रीन अनियन जो होता है उसका मैंने ग्रीन वाला पार्ट ले लिया और थोड़ा सा फ्रेश धनिया उसके पत्ते सिर्फ जो है वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए हैं अब सिजलिंग पैन को पैन को जो है मैं रख खुलूँगी इधर ट्रे के ऊपर और इसमें अब हम शामिल करेंगे क्रीम इससे थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे ये सर्विंग टाइम है तो क्रीम हमने इसी वक्त यूज़ करनी है जब इसको हम सर्व करेंगे उससे पहले अगर क्रीम डाल दी तो वो सारी मेल्ट हो जाएगी और इसके लिए मैंने एक सॉस तैयार की है थ्री टेबल स्पून मैंने मायनेस ले लिया है दो दो टेबल स्पून इसमें कैचअप है और डेढ़ दो टेबल स्पून के करीब भी इसमें चिली सॉस है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत मज़े की सॉस बनी थी और चिकन जो है वो मैंने तो कुछ वैसे ही खाया बच्चों ने कुछ वैसे ही खाया और हस्बैंड को इतना पसंद आया